जॉइंट्स वेलफेयर फाउंडेशन का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। शहर के आजाद चौक स्थित एक निजी होटल में आज जॉइंट्स वेलफेयर फाउंडेशन के तत्वावधान में गैलेक्सी यूनिट कॉन्फ्रेंस का आयोजन संपन्न हुआ। दीप प्रज्वलन के साथ ही समारोह का शुभारंभ हुआ। स्मार्ट सिटी अध्यक्ष आरएस राठी ने सभी आगंतुकों का स्वागत किया। समारोह के दौरान मंच पर प्रांतीय अधिकारी मंजू पोखरणा, यूनिट डायरेक्टर केएल गिलोत्रा, पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष सुरेंद्र जैन आदि मौजूद थे। इस अवसर पर प्रांतीय अध्यक्ष देवेंद्र गेरड़ा ने जॉइंट सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में दान देने का अलग ही आनंद आता है। साथ ही उन्होंने त्रिवेंद्रम में 48वें जॉइंट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए सभी सदस्यों को प्रेरित किया। इस अवसर पर समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सदस्यों को स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर लॉयंस क्लब के पदाधिकारी व फाउंडेशन के कई सम्मानित सदस्य मौजूद थे। देखिए बिरोड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की विशेष रिपोर्ट। और आज हमारे यहाँ भीलवाड़ा में यूनिट काउंसिल का आयोजन रखा गया था, जिसमें भीलवाड़ा के समस्त ग्रुपों ने इस कार्रवाई में हिस्सा लिया। और यूनिट काउंसिल केएल गिलोत्रा जी हमारे जो यूनिट प्रभारी है, उनके द्वारा ये कार्यक्रम में सभी जो अच्छे अच्छे कार्य किए उनको अवार्ड से सम्मानित किया गया। और इसका पूरा श्रेय हमारे एस के जैन साहब, स्पेशल कमेटी मेंबर जो हमसे सीनियर है, उनके मार्गदर्शन के अंदर ये ग्रुप राजस्थान में बहुत अच्छी तरह से संचालित हो रहा है। जॉइंट्स अंतर्राष्ट्रीय संस्था का मुख्यालय बॉम्बे में स्थित है। आज जॉइंट्स इंटरनेशनल इंडिया के हर कोने में इनके ग्रुप बने हुए हैं और करीबन 13 कंट्री में जॉइंट्स संस्थाएं काम कर रही है। इनका मुख्य उद्देश्य सेवा के कार्यों में है। हमारे इस ग्रुप के फाउंडर वर्ल्ड चेयरपर्सन नाना चुड़ासामा थे और आज की डेट में साइना एनसी मैडम हमारी वर्ल्ड चेयरपर्सन है। और अभी इस साल केरल के अंदर हमारा 48th जॉइंट्स इंटरनेशनल कन्वेंशन दिनांक 19, 20, 21 जनवरी 2024 को होने जा रहा है। और इसी साल में जनवरी 2023 में जोधपुर में कन्वेंशन हुआ था, जिसका मैं स्वयं कन्वेनर था। मेरा नाम देवेंद्र गेलड़ा है, मैं आज प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान फेडरेशन 9 का हूँ। पिछले 4 वर्षों से मैं प्रदेश अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ।